वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा थालपोश। बहुत सिंपल थालपोश है, बिल्कुल इजी पैटर्न पे बना हुआ है, कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप इसे जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं, छोटा बनाना चाहें और छोटा बना सकते हैं। दो कलर का यूज किया है मैंने इसमें, मजेंटा और व्हाइट कलर को यूज किया है। आप किसी भी कलर में बना सकते हैं इसे। बहुत ही प्यारा थालपोश बन के रेडी होता है और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है ये थालपोश। तो सबसे पहले वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, आने वाले बेल आइकन पे भी जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे थालपोश अपलोड कर रखे हैं और मेरे सारे थालपोश को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। आई होप आप लोग मेरे इस थालपोश को भी बहुत ज्यादा प्यार देंगे और आप लोगों को ये जरूर पसंद आएगा। तो सब आगे बढ़ने से पहले मैं इसके कुछ डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया है। इस थालपोश को बनाने के लिए मैंने ये देखिएगा यहाँ पे 3 mm की क्रोशिया को यूज किया है। ये 3.0 mm की क्रोशिया है और इसमें मैंने व्हाइट कलर की और मजेंटा कलर की ऊन यूज की है। व्हाइट कलर की जो ऊन है वो इसमें 100 ग्राम के आसपास ऊन लग जाती है इसमें, और जो मजेंटा कलर की ऊन है वो 50 ग्राम से थोड़ी सी ज्यादा लगती है, 60 ग्राम ऊन लगभग इसमें मजेंटा कलर लग जाती है। और इस जो पूरे थालपोश का डायमीटर है वो 25 इंच है। यहां से अगर इसे यहां तक नापेंगे तो ये 25 इंच होता है। तो आपको जितना भी बड़ा बनाना है उसी के अकॉर्डिंग बनाएं। पहले आपको जिसके भी अगर टेबल कवर यूज करना है तो पहले टेबल के नाप ले लें, उसके अकॉर्डिंग इसे बनाना स्टार्ट करें। बहुत इजी पैटर्न है, बिल्कुल सिंपल है, अगर आप बिगनर हैं तो आराम से इसे बना सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करती हूँ आज का अपना ये पैटर्न। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे 10 चैन बना लेनी है। और 10 चैन बनाने के बाद यहाँ देखिएगा, जो पहली नंबर चैन है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। यहां से 1, 2, 3, 4 फोर चैन बनाई, धागे को दो बार ग्रैब किया, होल के अंदर से डालेंगे 1, 2 दो बार में निकाला, लूप अभी इसी में रहेगा। फिर से धागे को दो बार ग्रैब किया, 2 times में ओवर करेंगे, लास्ट लूप क्रोशिया में ही रहेगा इस तरह से। और अब इन लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे, 1, 2 दो चैन का स्पेस देंगे, फिर से दो बार धागे को ग्रैब करेंगे, क्रोशिया के अंदर से इस तरह से डालेंगे 1, 2 एक हो गया, 2 हो गया और ये 3। इस तरह से 3 बार धागे को ग्रैब करते हुए इस तरह ऐसे निकालेंगे और जब 4 लूप हो जाएंगे क्रोशिया में तो इन सबको एक साथ ओवर कर देंगे। फिर से 2 चैन का स्पेस देंगे, 2 चैन का स्पेस दे दिया, अगेन धागे को ग्रैब करेंगे और सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। इस सेम प्रोसेस को हमें इस तरह से 10 times करना है। इस तरह की 10 petals इसमें बना के रेडी करनी है। अगर आपको होल छोटा लग रहा है तो आप 12 चैन का या 14 चैन का भी होल ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा होल छोटा है तो आप होल को थोड़ा सा बढ़ा लें, चैन्स बढ़ा के होल बढ़ा लें और उसके बाद इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। तो इसमें 10 times इसी तरह की पेटल्स बना के रेडी करनी है। और जैसे ही 10 petals आपकी बन के पूरी रेडी हो जाएं, 2 चैन बना लीजिए और 2 चैन बना के वर्क को इस वाले पॉइंट पे ऊपर जो एक चैन दिख रही है सबसे टॉप पे यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से पूरा फ्लावर बन के ये रेडी हो जाएगा। और पूरा इसे बनाने के बाद अब इस वाला जो हमारा स्पेस है 2 चैन का, यहाँ पे आ जाइए स्लिप स्टिच लगाते हुए। फिर से 1, 2, 3, 4 4 चैन का ही स्पेस देंगे इसमें, सॉरी 4 चैन बना लेंगे क्योंकि ये 2 बार ग्रैब करते हैं तो इसलिए थोड़ी लंबी चैन बनानी होती है इसमें। अगेन इसी प्लेस से वैसे ही 1, 1 और 2 दो बार में धागे को ग्रैब करके निकालेंगे और लूप ओवर नहीं होने देंगे। जब 3 अब आपके पास शुरुआत में 3 ही होंगे क्योंकि हमने चैन से स्टार्ट किया है, उसके बाद फिर आपके पास 4 लूप होने लगेंगे। तो यहां पे इस लूप को ऐसे निकाल दिया
दो चैन का स्पेस देंगे बीच में और अगेन दो बार धागे को ग्रैब करके फिर से इसी स्पेस से बनाना है। देखिएगा जहां से बनाया है इसी स्पेस में फिर से डालेंगे क्रोशिया को और इस तरह से दो बार में ओवर करेंगे। तीन ट्रिपल क्रोशिया हमें इसमें बनानी है तो ये तीसरी हो गई। और अब जब आपके पास यहां पे देखिए फोर लूप्स हो गए हैं तो अब इन सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर दें। वन टू, दो चैन का स्पेस देंगे और फिर से नेक्स्ट वाला जो दो चैन का स्पेस है उसमें सेम प्रोसेस को करेंगे। तो इस बार हमें क्या करना है, एक स्पेस से टू टाइम्स पेटल बनानी है। तो ये लीफ पैटर्न बनके रेडी होगा फ्रेंड्स। तो इसमें 10 लीफ पैटर्न इसी तरीके के हमें बनाने हैं। सेम पैटर्न पे दो दो बार धागे को ग्रैब करेंगे। जब थ्री टाइम्स हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद फिर सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे। सारे लूप्स एक साथ ओवर कर दिए, बीच में दो चैन का स्पेस देंगे और अगेन सेम स्पेस से सेम डिजाइन को बनाएंगे। वन टू थ्री, सारे लूप्स को ओवर कर लिया। एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो भी बीच में दो चैन का स्पेस देंगे और सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए इस पूरे राउंड को ओवर करेंगे। अब वर्क के एंड में देखिएगा पूरा राउंड बनाने के बाद अगेन इस वाले प्लेस पे, हर बार हमें ऐसे ही करना है, इस वाले प्लेस पे धागे को ऐड कर देना है और फिर से स्लिप स्टिच से आपको इधर आना है। पैटर्न जो अब हमें बनाना है इस चीज का ध्यान दीजिएगा, जहां से हमने दो दो बनाए हैं पहले ही राउंड में, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा फिर आपको इजी हो जाएगा। जहां से हमने दो पेटल्स एक साथ निकाली है, ये देखिएगा ये लीफ पैटर्न है और ये लीफ पैटर्न है, ये दोनों अलग अलग लीफ पैटर्न है और ये बीच वाला स्पेस है, तो इसमें पैटर्न को नहीं बनाना है, लीफ पैटर्न के बीच में ही लीफ पैटर्न बनाना है। तो वन टू थ्री फोर, अगेन सेम प्रोसेस को इसमें फिर से करेंगे। अब ये लीफ पैटर्न हर बार ऐसे ही बनेगा और बीच की सिर्फ चेन्स आपको बढ़ाते जाना है। इस तरह से बना लिया बीच में, इसमें दो चैन का ही स्पेस आपको हर बार देना है। लीफ पैटर्न के बीच का जो स्पेस होगा वो आपको हर बार ऐसे ही दो दो चैन का स्पेस देना है, दो और ये तीन, थ्री टाइम्स निकाला धागे को ग्रैब करते हुए। और अब यहाँ पे हमें एक लीफ पैटर्न हमने बना लिया, अब इसमें बनाना है लीफ पैटर्न। यहां हमने दो चैन का स्पेस दिया था बट अब इस चैन को बढ़ा देंगे, वन टू थ्री, तीन चैन कर दी। और फिर से अब ये वाला जो नेक्स्ट वाला लीफ पैटर्न है, तो इस चीज का फिर से मैं बता रही हूँ, ये एक लीफ पैटर्न है इसके बीच में बनेगा और ये एक लीफ पैटर्न है इसके बीच में। जहां से आपने दो लीव्स एक साथ निकाली हैं उसी में से बनाइएगा। अब इसमें बनाना है तो सेम पैटर्न को इसमें बना लेंगे, वन और एक पैटर्न के बीच में हमें दो चैन का स्पेस देना है तो यहां दो चैन बना लेंगे और फिर से सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। और यहां पे तीन चैन का स्पेस देंगे, वन टू थ्री। इस तरह से इस पूरी रो को भी कंप्लीट करेंगे, लीफ पैटर्न के बीच में लीफ पैटर्न, लीफ दो लीव्स के बीच में दो चैन का स्पेस और दो पैटर्न के बीच में तीन चैन का स्पेस। हर बार इसी तरह आपको इसमें चैन स्पेस सिर्फ बढ़ाते जाना है और बाकी इसे पूरा ऐसे ही बनाना है। तो ये राउंड पूरा ऐसे ही कंप्लीट कर ले पहले। और वर्क एंड में देखिएगा इसे अगेन इस वाले पॉइंट पे ऐड कर देना है और फिर से स्लिप स्टिच से इस जगह पे आ जाएंगे, तीन चैन बनाएंगे, वन टू थ्री। ये लीफ पैटर्न जो बने हुए हैं देखिएगा, ये सेट दो का हमने बनाया लीफ पैटर्न का, फिर दो का बनाया, फिर दो का बनाया, तो इसमें 10 सेट बने होंगे दो दो के लीफ पैटर्न के। तो इसी लीफ पैटर्न के अंदर हमें लीफ पैटर्न को बनाना है। तो वैसे ही दो बार धागे को ग्रैब कर लेंगे, वन टू, टू टाइम्स में इसे ओवर करेंगे, फिर से धागे को दो बार ग्रैब करेंगे, टू टाइम्स में ओवर करेंगे और उसके बाद फिर एक साथ इन्हें निकाल देंगे। फिर से वन टू, टू चैन लेंगे, फिर से धागे को दो बार ग्रैब किया और अगेन यहीं से एक लीफ बना ली, एक दो और ये
3, पूरे को एक साथ ओवर कर दिया। यहाँ पे देखिएगा हमने 2 चैन का स्पेस दिया था, यहाँ पे अब 4 चैन का स्पेस देंगे, 1 2 3 4। और फिर से ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये वाला जो लीफ का सेट बना हुआ है, इसके बीच में सिर्फ पहले वाले में आपको ध्यान देना है लीफ सेट का, उसके बाद फिर क्लियर हो जाएंगी सारी लीफ, तो बाद में हर बार ध्यान नहीं देना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम में इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लीफ पैटर्न के अंदर ही लीफ पैटर्न बनाएं, दूसरे वाले 2 चैन के स्पेस में ना बनाएं। एक बना लिया, बीच में 2 चैन का स्पेस, जो आप सेट बनाएंगे लीफ चैन पैटर्न का, इसमें 2 चैन का ही स्पेस देना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर तक ये ऐसे ही बनेगा। 1, ये देखिए इस तरह से इसे पूरा ओवर कर लेना है एक साथ, और अगेन 4 चैन का स्पेस देना है, 1 2 3 4। कुछ इस तरह से का पैटर्न बन के रेडी होगा। अगर आपको 4 चैन का स्पेस ढीला लग रहा है तो आप 3 चैन का भी स्पेस दे सकते हैं। तो इसी तरह से करते हुए इस पूरे राउंड को हमें ओवर करना है। इस तरह से राउंड नंबर 3 भी ओवर हो चुका है, और अब राउंड नंबर 4 के लिए वर्क वैसे ही ऐड कर दिया है। अगेन बीच में आ जाऊंगी, लीफ पैटर्न पे आपको हर बार लीफ पैटर्न ही बनाना है जितने भी बने हुए। अब देखिएगा ये क्लियर हो गया है, सारे लीफ पैटर्न अब क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पे सेम वैसे ही 2 बार धागे को ग्रैब करते हुए लीफ पैटर्न बना ले पहले। यहाँ देखिएगा मैंने फिर से लीफ पैटर्न बना लिया है, और अब 1 2 3 4 5 6, यहाँ मैंने 6 चैन बनाई है। हर बार मैं 2 चैन बढ़ा रही हूँ इसमें, और 6 चैन बना के वैसे ही धागे को ग्रैब करके लीफ पैटर्न के ऊपर लीफ पैटर्न, सेम प्रोसेस को ही आपको रिपीट करना है। और जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा इसे बना लें, पहले इसमें 6, 7 या 8 राउंड बना के इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। जितना आप अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा बना लें इसमें। इसी पैटर्न को कंटिन्यू रखना है इसमें, देखिएगा जैसे मैं बना रही हूँ सेम वैसे ही बनाना है। लीफ पैटर्न के ऊपर आपको हर बार लीफ पैटर्न बनाना है, सिर्फ आपको चैन ही इसमें इंक्रीज करनी है, और चैन भी आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको वर्क टाइट लग रहा है तो आप चैन बढ़ा सकते हैं, अगर आपको वर्क लूज लग रहा है तो आप चैन घटा भी सकते हैं। तो चैन में अपने अकॉर्डिंग ही करें। मैंने यहाँ पे 2-2 चैन बढ़ाई है हर राउंड में, पहले मैंने 4 की है, फिर 6 कर ली है, इसके बाद वाले राउंड में अब 2 चैन और बढ़ा दूंगी, उसके बाद वाले राउंड में 2 चैन और बढ़ा दूंगी। अगर वर्क ढीला लगे तो आप एक ही चैन बढ़ाएं, या तो आप चाहें तो 2 राउंड में, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं हम वैसे वैसे चैन बढ़ाने की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, कम चैन में भी आप वर्क को बना सकते हैं। तो अगर आपको वर्क ढीला लगे तो 2 राउंड में आप चैन एक ही नंबर के चैन, मीन्स अगर आपने 8 चैन बनाई है तो 2 राउंड में आप 8 चैन ही बना सकते हैं, अगर आपने 9 बनाई है तो दोनों राउंड में 9-9 बना लें। वर्क के अकॉर्डिंग चैन सेट करें, वर्क ना ही टाइट हो आपका और ना ही ज़्यादा लूज हो, मीन्स कर्लिंग नहीं आनी चाहिए। तो इसी तरीके से इसमें कुछ राउंड बना के रेडी कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ इसमें आगे क्या करना है। ये देखिए यहाँ मैंने टोटल इसमें 8 राउंड बना के रेडी कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब इस वाले पॉइंट पे मेरे पास हर राउंड में मैंने 2-2 चैन बढ़ाई हैं, तो यहाँ पे 4 6 8 10 12 14, बट 14 चैन ना करके मैंने इस वाले राउंड में 15 चैन किए हैं। और अब इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट वाले राउंड के लिए, ये जो लीफ पैटर्न है ये वैसे ही बनेगा जैसे आप बनाते आ रहे हैं, तो इसे एज इट इज वैसा ही बना लें। ये देखिए इस तरह से लीफ पैटर्न ऐसे ही बना लिया, और अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बनाएंगे। अगेन वैसे ही धागे को ग्रैब करेंगे, और ये जो नीचे की चैन है इसमें बीच में वैसे ही लीफ पैटर्न एक और बना लेना है, जैसा लीफ पैटर्न हम बना रहे हैं सेम वैसे ही बनाना है। तो इस तरह से चैन से धागे को डालेंगे क्रोशिया को, और एक लीफ बना ली, धागे को सेम पैटर्न पे ओवर कर लिया, 2 चैन का स्पेस दिया अगेन इसी वाले पॉइंट से। तो इस तरह से जितनी भी चैन बीच में बनी हुई हैं उन सब में एक एक लीफ पैटर्न को हमें बढ़ा लेना है, सब में ऐसे ही इसी तरह से लीफ पैटर्न बनाना है, और 8-8 चैन बना लेनी है। ये बना लिया, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 चैन बनाई, और अब ये जो लीफ पैटर्न आपका नीचे से बनता चला आ रहा है इसमें एज इट इज वैसे ही बनाना है जैसे बनाते आ रहे हैं। 1 2 और ये 3,
ये देखिए, तो दो लीफ पैटर्न के बीच में हमने एक लीफ पैटर्न यहाँ पे बढ़ा लिया। फिर से यहाँ पे एट चैन बनाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, और अगेन इस वाले पॉइंट पे जो नीचे वाला हमारा फिर दूसरी चैन है, इसमें अगेन वैसे ही एक लीफ पैटर्न और बढ़ा लेंगे। तो इसी प्रोसेस को हमें इस पूरे राउंड में कंटिन्यू रखना है, जितनी भी चेन्स बनी हुई हैं उन सब में ऐसे ही लीफ पैटर्न बना के रेडी कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से इसे बनाते हुए पूरे राउंड को ओवर करना है। ये देखिए, इस तरह से जितने भी बीच की चेन्स थी उन सब में मैंने एक एक इसी तरीके का लीफ पैटर्न बढ़ा लिया है। और अब वर्क के एंड में जहां से आपने स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पे वर्क को ऐड कर लें, और इस वाले स्पेस पे भी लीफ पैटर्न वैसे ही बना लें जैसे आपने हर राउंड में बनाया है। सेम पॉइंट पे यहाँ पे देखिएगा, इस जगह पे वैसे ही लीफ पैटर्न बनाएंगे। ये देखिए, सेम लीफ पैटर्न बना लिया। और अब ये जो हमने बीच में बनाया है इसमें भी हमें हर राउंड में लीफ पैटर्न ऐसे ही बनाते रहना है। सिर्फ अब चेन वैसे ही बढ़ानी, जैसे आपने नीचे चेन बढ़ाई है वैसे ऊपर भी बढ़ा लीजिए। चैन अपने हिसाब से एडजस्ट करिए कि आपको कितनी चैन बनानी है। मैं यहाँ पे मैंने हर राउंड में दो दो चैन्स बढ़ाई हैं। यहाँ भी मैं पहले 10 चैन कर लूंगी, पिछले राउंड में 8 की थी, अब 10 कर लूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपको लग रहा है कि 10 चैन आपको ढीली लग रही है तो आप चैन कम कर दें एक, और अगर आपको लग रहा है टाइट है तो आप चैन बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो बीच वाला स्टार्ट किया है नया लीफ पैटर्न, इस पे भी हर राउंड में ऐसे ही पैटर्न बना लेना है। और अब इसी प्रोसेस को हमें बार बार रिपीट करना है और उतना बड़ा बना लेना है जितना बड़ा आप इसे बनाना चाहते हैं। उसके बाद इसमें ऊपर का बॉर्डर बनेगा, तो पहले आप जितना बड़ा इसे बनाना चाहते हैं इसी तरह से बना लें। जितने भी लीफ पैटर्न हैं उसमें लीफ पैटर्न ही बनेंगे, सिर्फ आपको चेन बढ़ानी है। और हर राउंड में आप देखते जाएं, अगर आपकी चेन कहीं भी ढीली या टाइट हो रही है तो आप नेक्स्ट राउंड में उसे एडजस्ट कर लें। मैंने हर राउंड में दो दो चेन बढ़ाई है, और वर्क के एंड में मैं आपको फिर से बता दूंगी कि मैंने कहाँ पे कितनी चेन रखी है। तो ये देखिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह इधर भी 10 चैन बना ली, इधर भी 10 चैन बना ली। लीफ पैटर्न वैसे ही बनेगा जैसे बनता आ रहा है, ये वाला भी ऐसे ही बनेगा, जो नया स्टार्ट हुआ है वैसे ही बनेगा। फिर से यहाँ पे हमें लीफ पैटर्न बना लेना है, 10 चैन लूंगी, इसके ऊपर फिर से पैटर्न बनाना है, फिर से 10 चैन लेके इसमें बनाना है, नेक्स्ट राउंड में चैन को बढ़ा लेना है। तो इसी तरह कंटिन्यू रखते हुए जितना बड़ा आप इसे बनाना चाहते हैं उतना बड़ा पहले इसे बना लें, उसके बाद फिर इसके ऊपर का बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसमें इसके बाद भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 राउंड बना के रेडी कर लिए हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था इसे 8 चैन से, 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, और फिर इसमें भी 14 है, और उसके बाद की दो रो में मैंने इसमें 15 रखी हुई हैं चेन्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही इसमें चैन को सिलेक्ट करें कि आपको कितना करना है। और अगर आप इसे और भी ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो या तो इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, चैन को बढ़ा लें, और या तो फिर आप इसके बीच से, जैसे मैंने यहाँ पे नई डिज़ाइन स्टार्ट की है, आप यहाँ से एक डिज़ाइन स्टार्ट करें और एक डिज़ाइन इस जगह पर स्टार्ट करें। मीन्स ये जो बीच वाली रो जा रही है इसके दोनों तरफ से एक एक डिज़ाइन स्टार्ट कर लें। प्रोसेस सेम यही रहेगा जो यहाँ पे किया है आपने, उसी सेम प्रोसेस को आप यहाँ पे स्टार्ट करके इससे बड़ा भी बना सकते हैं। तो अब क्या करना है आपको, जहाँ भी है आपका धागा इसे काट देना है, और एक लीफ पैटर्न के बीच में आपको धागे को ऐड करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी डिज़ाइन मैं इसमें बताऊंगी हर लीफ पैटर्न में वही डिज़ाइन बनेगी। तो एक में मैं आपको बता दूंगी, और उसके बाद के जितने भी लीफ पैटर्न बने हुए हैं यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, बीच की चैन बता दूंगी, उसके बाद फिर आपको सेम पैटर्न इस वाले पे करना है, फिर उतनी ही चैन बनानी है, फिर नेक्स्ट में सेम पैटर्न को करना है। तो ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक लीफ पैटर्न पे आपको डिज़ाइन बता दूंगी, आपको सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए सारे लीफ पैटर्न पे वैसे ही बनाना है। तो यहाँ मैंने दूसरा धागा ऐड कर लिया है, मैंने थोड़ा सा डार्क कलर का धागा ऐड किया है इसमें, और सबसे पहले इसमें 1, 2, 3, 4 चैन बना ली इसे ट्रिपल क्रोशिया के लिए, और एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे बीच के स्पेस के लिए। दो बार धागे को ग्रैब करेंगे, और ये जो बीच वाला आपका दो चैन का स्पेस है लीफ पैटर्न के, इसी से आपको 9 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, और हर ट्रिपल क्रोशिया के बीच में एक चैन का स्पेस देना है। एक ट्रिपल क्रोशिया बनाई, एक चैन का स्पेस दिया, फिर दूसरी बनाई,
एक चैन का स्पेस दिया, तो अब यहाँ पे तीन हो गई क्योंकि ये हमारी चैन भी एक ट्रिपल क्रोशिया हुई, 1 2 3, और इसमें टोटल 9 बनानी है, तो 6 और बना के ऐसे ही रेडी करेंगे ट्रिपल क्रोशिया, और बीच में एक चैन का स्पेस, फिर से ट्रिपल क्रोशिया, तो इस तरह से टोटल 9 बना के इसमें हमें रेडी करनी है। ये देखिए इस तरह से बना के रेडी कर लिया, बीच में 10 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस स्पेस में हमने 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाई, बीच में एक एक चैन का स्पेस दिया, और उसके बाद 10 चैन बना ली, और 10 चैन के बाद दूसरी वाली जो हमारी लीफ पैटर्न है इसमें अगेन 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, और उसके बाद सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे जो हमने किया है। तो इस तरह से इसे पूरे राउंड को ओवर करना है, और वर्क के एंड में पूरा राउंड बनाने के बाद देखिएगा इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे जो हमने 4 चैन बनाई है वहाँ इस अपने वर्क को ऐड कर लेंगे। 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और एक छोड़ के जो नेक्स्ट वन वाला है इसमें ऐड करेंगे, नेक्स्ट वन वाले ट्रिपल क्रोशिया में ऐड करनी है, देखिएगा इस तरह से ऐड किया मैंने, इन दोनों के बीच में ऐड कर दीजिए, यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे, फिर से 1 2 3 4 5, नेक्स्ट वन में ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर से इसे नेक्स्ट वन में ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5, इसी तरह से ऐड करते हुए पूरा लास्ट तक जाएंगे इसमें, 4 5, वन टू थ्री फोर फाइव, अब लास्ट वाले में ऐड कर लिया, तो टोटल इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 इस तरह की जालियां बन के रेडी हुई, 10 चेन वैसे ही बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ ऐड करेंगे, और फिर से सेम प्रोसेस को स्टार्ट करते हुए इस पूरी रो को भी, सॉरी इस पूरे राउंड को भी हमें ओवर करना है, सेम ही पैटर्न को रिपीट करना है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों के बीच में ऐड करते हुए सब में 7 7 इस तरह की जालियां बना के रेडी कर लें। और वर्क के एंड में यहाँ देखिएगा जो आपने पहला वाला बनाया हुआ है पैटर्न, इसके फर्स्ट वाली जाली में जो पहली जाली आपने बनाई है इस जाली में आपको वर्क को ऐसे ऐड कर देना है, फिर से यहाँ से 1 2 4 5 5 चैन बनानी है, नेक्स्ट जाली में ऐड करना है, सिंपल वैसे ही स्लिप स्टिच से ऐड कर देना है, 2 3 4 5, 5 5 जाली बनाते जाएंगे, और हर एक जाली में ऐसे ही इसे ऐड करते जाएंगे, 5 चैन बनाएंगे और इसे नेक्स्ट वन में ऐड कर देंगे, इस बार टोटल आपके पास 6 जालियां होंगी, तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे इसमें एक एक जाली ऐसे ही कम होती जाएगी, और इसको आपको तब तक ऐसे ही रिपीट करना है जब तक लास्ट में आपके पास सिर्फ एक जाली बची ना रह जाए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ऐड कर दिया, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट वन यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये देखिएगा अब हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6, इस वाले राउंड में इससे पहले वाले में 7 थी, अब इस बार 6 हो गई, चेन्स आपको एक एक हर राउंड में बढ़ा लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पहले हमने 10 चैन ली थी, अब इस बार 11 चैन कर ली है, और ये वाला नेक्स्ट वाले का जो पहला वाला है इसमें ऐड करेंगे और सेम प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, तो जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ऊपर फ्रेंड्स देखिएगा इस तरह से बनके ये कुछ रेडी होगा, और जैसे जैसे ही आप ऊपर जाएंगे ये एक एक जाली इसी तरह से कम होती जाएगी और ये फिश का शेप ले लेगा, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ऐसे ही पूरे राउंड को बनाना है, नेक्स्ट राउंड में भी इस वाले में ऐड कर देना है, फिर से वैसे ही 5 5 जाली से बनाना है, सिर्फ आपको करना क्या है, जैसे आपने नीचे वाले में चैन को अपने एडजस्ट किया है वैसे इसमें चैन एडजस्ट करनी है, यहाँ पे 10 चैन बनी है, इस वाले राउंड में मैंने 11 चैन बनाई है, इसके नेक्स्ट वाले राउंड में 12 चैन बना लूंगी, उसके बाद 13 चैन बनाऊंगी, अगर जरूरत हो तो, अगर आपको ऐसा लगे कि चैन ढीली है प्रॉपर है नेक्स्ट राउंड में भी आप उतनी ही बना सकते हैं तो आप उतनी ही बना ले, अच्छा होगा कि आपने जैसे इस राउंड 2 बार 10 10 बनाई है,
इस बार 11 बना लें, इसके नेक्स्ट वाले में भी 11 बना लें, उसके बाद के दो राउंड में 12 12 चैन बना लें, तो वर्क आपका बिल्कुल प्रॉपर बन के रेडी होगा अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो। तो इसे तब तक बनाते जाएं जब तक कि सिर्फ आपके पास एक चैन ना हो जाए। पूरा मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि मैंने किस राउंड में कितनी चैन बनाई है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये पूरा बन के रेडी हो गया है और अब इसमें एक दो राउंड और बाकी हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने हर राउंड में इसमें एक एक कम किया है और लास्ट में देखिए सिर्फ एक ही बची हुई है। ये खुद ही अपने आप ही कम होता है, आप बनाएंगे तो इसको अपने आप ही कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी जालियाँ नेट कम होती जाएंगी। सिर्फ मैंने इसमें चेन थोड़ी सी एडजस्ट की है, तीन राउंड में मैंने सिमिलर चेन बनाई है, फिर ऊपर मैंने राउंड में चेन्स बढ़ा दी हैं। टोटल यहाँ पे अब मेरे पास 16 चैन है सबसे ऊपर वाले में। तो चैन आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें, ये मैंने बार बार ही आपको बताया है, क्योंकि सबके हाथ में और चैन की साइजेस में अंतर होता है, इसलिए चैन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है मेरे और आपके, जैसे जितना मैंने बताया है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट हो सकता है कि आपका वर्क टाइट हो जाए उतनी चैन्स में। मैंने इसमें सबसे ऊपर 16 चैन रखी है, तो मे बी पॉसिबल कि आपको 17 चैन रखनी पड़े, तो अपने वर्क के अकॉर्डिंग उसे सेट कर लें। और अब यहाँ देखिएगा क्या करना है, जहाँ पे भी आपने धागे को ऐड किया है पहले दो चैन बना लें, और यहाँ पे ये वाली जो आपको स्पेस दिख रही है यहाँ पे आपने ऐड किया है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लें। उसके बाद ये जो चैन है इसमें आपको डबल क्रोशिया बनानी है, और ध्यान दीजिएगा आपने जितनी भी चैन बनाई है उससे दो या तीन डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया कम बनाएं। जैसे आपने अगर 15 बनाई है तो या तो आप 13 बना लें इसमें, या तो 12 बना लें। अगर आपने 17 बनाई है तो आप 15 बना लें। तो जितनी भी आपने चैन्स बनाई हैं बस उससे दो या तीन डबल हाफ डबल क्रोशिया इसमें कम बनाएं। चैन में इसी तरह से एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेनी है। और इस तरह से पूरी चैन को फिल करने के बाद अब आपको इस वाले पॉइंट पे, जहाँ पे देखिएगा आपने जो लास्ट वाली चैन बनाई है, ये वाला जो इसका जॉइनिंग पॉइंट है जहाँ पे आपने इसको ज्वाइन किया है, एक हाफ डबल क्रोशिया इसमें बना लीजिए, दो हाफ डबल क्रोशिया इस वाली जो लास्ट वाली चैन बनी हुई है चैन ब्लॉक इसमें बना लीजिए, वन एंड टू, और फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया इस वाले पॉइंट पे बना लीजिए जहाँ पे आपने दूसरी बार जोड़ा है। तो इस तरह से इसमें टोटल यहाँ पे 4 बन गई। और अगेन आपको चैन में उतनी ही बनानी है जितनी आपने पिछली चैन में बनाई है। मैंने टोटल 14 बनाई थी क्योंकि मैंने 16 चैन बनाई है, तो आप भी उसी हिसाब से बनाएं और सिर्फ बस दो या तीन चैन कम बनाएं तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा। इसी तरह से इसे भी फिल करें, चैन भी फिल करते हुए इस पूरे राउंड को हमें ओवर करना है। और ये देखिएगा इस तरह से पूरा मैंने इसमें ये हाफ डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। और अब सिर्फ अब इसमें फाइनल राउंड बनाना है, तो फाइनल राउंड के लिए कुछ नहीं करना है, एक चैन बनाइए, वन टू, दो डबल क्रोशिया स्किप करिए और तीसरी वाली में एक डबल क्रोशिया, एक चैन बनाएंगे सेम प्लेस से, इसी सेम जगह से बनाना है जहां से अभी आपने एक डबल क्रोशिया बनाई है, दो, फिर से एक चैन बनाएंगे इसी जगह पे फिर से डालेंगे, तीन, फिर से एक चैन बनाएंगे फिर से अगेन इसी जगह पे डालेंगे, चार, फिर से एक चैन, और ये पांच, पांच बार डबल क्रोशिया बना ली, एक चैन बनाएंगे, और यहां से देखिएगा वन टू, दो स्किप करेंगे, थर्ड वन में इसे इस तरह से ऐड कर देंगे, इस तरह से बन के रेडी हुआ। फिर से एक चैन बनाएंगे और एक चैन बना के जहां पे आपने ऐड किया है उसके बाद वन टू, दो हाफ डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और उसके बाद वाली में फिर से सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, एक बार एक ही हाफ डबल क्रोशिया से आपको पांच बार बनानी है और हर बार आपको एक चैन का स्पेस दे देना है बीच में, दो, सेम प्लेस से, तीन, इसी सेम प्लेस से, फोर, और इसी सेम प्लेस से अगेन फाइव, फाइव टाइम्स बना ली, एक चैन बनाएंगे और फिर से यहाँ से वन टू, दो स्किप करेंगे और तीसरी में इसे ऐड कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल है ये बॉर्डर, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको जहाँ से स्टार्ट किया है उससे दो स्किप करनी है, थर्ड वन से सेम पैटर्न को बनाना है, फिर से दो स्किप करना है, इसे ऐड कर देना है,
ऐड करने के बाद फिर से दो स्किप करनी है हाफ डबल क्रोशिया, थर्ड वन से अगेन सेम पैटर्न को बनाना है और फिर इधर से दो स्किप करके थर्ड वन में ऐड कर देना है। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हुए इस पूरे राउंड को ओवर करेंगे और जैसे ही आपका राउंड ओवर हो जाएगा वैसे ही आपका पूरा थालपुस बन के रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये पैटर्न अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा। मिलूंगी कुछ नए आइडियाज़ के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।